मैंने सिर्फ एप्पल को रखा, उसने मेरे को एन्चांटेड गोल्डन एप्पल दे दिया, वो भी इतना सा। गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशु बेस्ट में, और आज हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहां पे क्राफ्टिंग नॉर्मल नहीं होती है, यहां पे क्राफ्टिंग ओपी होती है। अभी अंदर जाके बताऊंगा गेम में, बट उससे पहले जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100 के लाइक का गोल लगा रहा तुम्हारा भाई, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, 3 मिलियन भी तो पहुंचना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं गेम की तरफ को। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एकदम ब्रांड न्यू वर्ल्ड के अंदर जहां पर यार क्राफ्टिंग एकदम नॉर्मल नहीं है। तुम समझ रहे हो ये वर्ल्ड ऐसा है जहां पर क्राफ्टिंग एकदम ओपी चीज है, और ये वर्ल्ड भी लेट्स गो भाई फाइनली गाइस। कम से कम नहीं भी तो आई थिंक जो पिछले 3 बार मैंने माइनक्राफ्ट बीटिंग वाली वीडियोस बनाएंगी उसमें हाँ मेरे को धक्का मार के ले जा दो अपने साथ। तो कहने का मतलब है कि ये वो वर्ल्ड है जिसमें हमें फाइनली एक विलेज मिल गई है, सीधे स्टार्ट करते ही। बट रुको जरूर एक मिनट, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्राफ्टिंग इज ओपी गाइस, ये देखो भाई ये क्या भाई, ये चीज बहुत ज्यादा परेशान भी करने वाली है आगे जाके, क्योंकि गारंटीड वाली बात है यार हम लोगों को लैग भी ये क्या चल रहा है यार यहाँ पर ये। रुको जरा मेरे को बस अपने लिए एक दो चीजें बनानी, प्लीज भगवान प्लीज यार 1000 पिकैक्स मत बन। ओ यस, जो भी चीज गाइस हम लोग नॉर्मली क्राफ्ट कर सकते हैं ना वो तो मल्टीप्लाई हो सकती है, लाइक एक भी बन सकती है और 1000 भी बन सकती है, बट जो भी चीजें एन्चांट हो सकती है वो चीजें नॉर्मली एन्चांट ही होंगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अनब्रेकिंग मिला है, तो मैं लगता है कि मुझे अनब्रेकिंग चाहिए, तो मैं लगता है कि मैं एक अनब्रेकिंग के लिए आया हूँ यहाँ। नहीं दोस्त, मुझे द एफिशिएंसी 255 दो मुझे, लेट्स गो। एक एक्स भी बना लेते हैं अभी के लिए, और इसमें शार्पनेस मिल जाए तो क्या बात है, शार्पनेस दे दो शार्पनेस। अरे यार ये क्या बदतमीजी चल रही है, शार्पनेस दे दो, अरे अब तो दे दो। तो गाइज आई थिंक मेरे को एक्स में तो शार्पनेस नहीं मिल सकती है, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है जैसे भी होगा जो भी होगा, ये बाकी सारी चीजें फेंक देते हैं और अपनी इसको क्राफ्टिंग टेबल को वापस से ले लेते हैं हम लोग। अभी के लिए मैंने अनब्रेकिंग वाली ले ली है, लाइक अरे यार क्राफ्टिंग टेबल वापस ले रहा हूँ, मेरे पास 64 क्राफ्टिंग टेबल पड़ी हुई है यार, और मुझे ना बार बार ये सारा का सारा सामान भी फेंकना पड़ेगा। तुम लोग देख रहे हो एक बार कितना ज्यादा सामान आ गया भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ दो लॉग तोड़े थे वुड के मैंने, और इतना सारा सामान हम लोगों को मिल चुका है। पर मैं एक्चुअल में लेट्स गो, मैं एक जने को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे यहीं से दिख गया है भाई, लेट्स गो गाइस। तुम्हें पता नहीं है मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ। लेट्स डू दिस बॉयज भैया। ओ भाई ओके, आई थिंक ये मे बी वो पहला टाइम होता जब हम लोग लिटरली एक आयरन गोलम से मर जाते स्टार्टिंग में ही। तुमने मुझे मारा क्यों भैया? तो गाइस फाइनली हम लोगों ने आयरन गोलम तो मार दिया है, और हमें मिला है 5 आयरन इंगेट। लेकिन अब देखो तुम्हारे भाई के पास दिमाग की कमी नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा अरे 5 आयरन इंगेट ही तो है, इसका मतलब कि तुम्हें बहुत सारा आयरन और लेकर आना। रुको तो सही यार, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर हम लोग कुछ भी नॉर्मल चीज को क्राफ्ट करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, राइट? तो अगर हम लोग इस आयरन को आयरन इंगेट बनाए क्राफ्टिंग टेबल का यूज करके, तो हम लोगों को इतना आयरन मिलेगा जितना कि हमने सोची ना होगी भाई। लेट्स गो, देख रहे हो तुम लोग मैं कितना आयरन बना सकता हूँ भाई इससे। अरे यार लेने तो दो कम से कम एक मिनट। व्हाट? ओके मैं ये भूल गया कि मैं एक्चुअल में फिर आयरन इंगेट क्राफ्ट कर रहा हूं, तो वो भी तो स्टैक के स्टैक जमाऊंगे भाई। यार ये वर्ल्ड आई लव दिस यार। रुको जरा गाइस, तो ये हमारे पहला कुछ 15 मिनट थे जिसमें कि मैंने फायर प्रोटेक्शन, वेरी गुड, नाइस नाइस। हमें नॉर्मल प्रोड भी मिल सकता है क्या? ब्लास्ट प्रोटेक्शन तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, क्या मैं डरता हूँ क्या भाई? ब्लास्ट नहीं, हमें नॉर्मल प्रोटेक्शन मिल सकता है क्या? बिल्कुल, प्लीज यार प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज गिव मी नॉर्मल प्रोटेक्शन प्लीज। अनब्रेकिंग नहीं चाहिए यार, इतना आयरन है कि दिन भर बैठ के यहाँ पर मैं एक्चुअल में चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस मेरे पास ना एक आइडिया है, देखो मैं अभी के लिए फायर प्रोटेक्शन क्या इसमें थॉर्न वाली आयरन चेस्ट प्लेट ले रहा हूँ, ठीक है? तुम समझ रहे हो ना भाई ये कितनी खतरनाक चीज होने वाली है। और पैंट्स में हम लोग देखते हैं, पैंट्स में मैं थॉर्न्स नहीं लूंगा, थॉर्न्स एक ही में काफी है, ठीक है भाई? ये देखो हमें पैंट में क्या मिला, फायर प्रोटेक्शन और थॉर्न्स एन्चेंटमेंट दोनों ही। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी होने वाला है भाई, मैं बाय गॉड कह रहा हूँ यार, इतनी अच्छी क्राफ्टिंग काश हर वर्ल्ड में होती तो क्या ही मजा आ जाता। नहीं मतलब थोड़ा बोरिंग भी हो जाता, बट क्या ही मजा आ जाता भाई। सोचो अगर तुम्हें ऐसे करके मिल रहा होता सामान, तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन भी रख लेते भाई। देख रहे हो ब्लास्ट प्रोटेक्शन हमारे पास, थॉर्न्स हमारे पास, फायर प्रोटेक्शन है, अब चाहिए बस एक नॉर्मल प्रोटेक्शन ताकि मेरे को हर चीज से बचा सके, ठीक है? तो अरे यार तुम ये लो यार, एक तो इतने सारे नगेट आ गए ना मेरे पास कि भाई
कूड़ा ही बना दिया है भाई। तो गाइस हम लोग को बूट्स में भी फाइनली प्रोटेक्शन एंचेंटमेंट मिल गया, तो हमारे आर्मर अभी के लिए देख लो प्रोटेक्शन 255, फायर प्रोटेक्शन 255, थॉर्न्स 255, और वहीं पे हमारे पास है ब्लास्ट प्रोटेक्शन 255। तो कहने का मतलब हमारा प्रोटेक्शन तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा यार देखो, अब अभी आ ही गया तो आयरन तो यू नो क्यों खाली वो करें, थोड़ा सा यू नो अपने लिए एक्स वैक्स भी तो बना लेते हैं बढ़िया करके। ये रहा भाई एफिशिएंसी एक्स मिल चुकी है हम लोगों को, देयर वी गो, जितना भी चाहे हम लोग अब पत्थर ले सकते हैं, कोई सीन नहीं है। और बाकी अपने लिए एक बढ़िया वाली एक्स भी बना लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सुनो एक्स में ना हम लोगों को शार्पनेस नहीं मिल रहा है, हम लोगों को शार्पनेस मिलेगा स्वर्ड के अंदर, जो कि हम लोगों को मिल चुका है, लेट्स गो। तो गाइस हम लोगों को परफेक्ट पिकैक्स मिल चुकी है, कहने का मतलब है कि इसमें फॉर्च्यून भी है, इसमें एफिशिएंसी भी, और दोनों 255 लेवल। तो भाई ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक पिकैक्स हम लोगों को मिल गई है। इसके साथ साथ मैं एक और पिकैक्स रखूंगा पूरे टाइम, क्योंकि सीधी सी बात है ये पिकैक्स टूटेगी बहुत जल्दी, तो मेरे को ये वाली को कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये ऐसा नॉर्मली मिलते रहेगा बार बार, तो थोड़ा सा यू नो बचा के रखेंगे इसको हम लोग। और अभी देखते हैं हम लोगों को शवल में भी कुछ बढ़िया करके शवल मिल जाए तो मेंडिंग शवल, अबे हटे यार यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। तो गाइस यार हम लोग अब फाइनली सोने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपना सारा का सारा सामान जमा हो चुका है। एक मिनट, यहाँ पे बेड है, अरे यार बेड ही तो नहीं है इनके पास, और मेरे पास बाय द वे फूड भी नहीं है गाइस बिल्कुल भी, तो वो भी हम लोगों को करना है। और मेरे को एक स्केलेटन दिख चुका है जो कि मेरे पीछे पड़ जाएगा थोड़ी देर में, तो हमें बेड ढूंढना है। और देर भी को यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए, तुम्हें सोने की हो रही है यार, बदतमीजो बड़े। अरे मॉन्स्टर कहाँ है भाई, ओए कौन है। तो गाइस यार अपना डे वन खत्म हो चुका है, और ये देखो एक बारी, एक मिनट, इसमें लूटिंग नहीं है ना यार, हम लोगों को यार स्वॉर्ड में हमारी लूटिंग भी चाहिए होगी यार। बट अभी के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो होगा फूड भाई, हमारी एचपी देखो एक बारी प्लीज यार, कहीं पर तो होगा हेबेल, थोड़ी बहुत हेबेल तो होगी यार, ऐसे मत करो दोम, एक हेबेल दे दो, बस एक हेबेल, ठीक है ना, ये वर्ल्ड जो है ये है ओपी क्राफ्टिंग वाला, तो हम लोगों को अगर एक हेबेल, और रुको मैं तुम्हें बचाऊंगा, देयर वी गो, ठीक है अब तो दे दो एक हेबेल। तो गाइस ओ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, हम लोगों को करेक्ट एक हेबेल, ओके ठीक है एक नहीं थोड़ी ज्यादा मिल गई है, बट फाइनली हम लोगों को थोड़ी बहुत हेबेल मिल गई है। और ये देखो गाइस रेडियो इसीलिए मैं बोला था कि सिर्फ एक हेबेल दे दो, सिर्फ एक, और तुम्हारा भाई काम कर लेगा। और ये देखो एक बारी ब्रेड देखो, ये देख रहे हो, मैं अपने लिए ना बस एक वो बना रहा था बकेट, ये देख रहे हो तुम लोग, एक बकेट बना रहा था मैं, मेरी इन्वेंटरी में बकेट घुस चुकी है, हर जगह पे बकेट है भाई। अरे मेरी क्राफ्टिंग टेबल्स तो वापस कर दो भाई, हे राम भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी कभार ना भाई इससे इतनी ज्यादा चिड़ भी मच रही ना, क्योंकि तुम लोग हर चीज जो तुम्हें नहीं भी बनानी है वो भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके मिल रही है तुम लोगों को। ये लैग देख रहे हो एक बार इस एरिया में भाई साहब, भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ल्ड है ये, लेकिन मेरे पास एक आइडिया आ चुका है, एक दिमाग मेरे पास चल रहा है अभी एक्चुअल में कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोगों को लिटरली अभी फर्स्ट डे हुआ, और एक बार देखो मुझे पूरा का पूरा आयरन का सेट है, और पता नहीं इतनी सारी बकेट लेके कहाँ जा रहा हूँ भाई, हेलो क्या दूध निकालने जाऊंगा क्या अभी। चलो तो गाइज अपना ये सारा का सारा सामान तो हो चुका है, बट अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ को जाने वाले हैं, जो कि है ए क्या कर, इधर इधर, अरे यार भाग गया, रुक जाओ जरा, कहाँ के ये रहा ना, ऐसे कैसे भैया, अबे यार एंटरपोल देके जाता है एक यार, एटलीस्ट बड़ा गंदा आदमी है। चलो तो गाइस अब हम लोग ढूंढने वाले हैं केव, क्योंकि मैं जब सोच रहा था ना इस चीज़ को बैठ के कि मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो हम ऐसा कर सकते हैं क्रेजी कि मतलब हम लोगों को सामान मिल जाए, क्योंकि सीधी सी बात है अगर क्राफ्टिंग ओपी है तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए राइट। तो हम लोग एक केव यूज करने वाले हैं, केव यूज नहीं करने वाले, केव ढूंढने वाले हैं जहां पर हम लोगों को मिल सके थोड़े से डायमंड्स बिल्कुल। ओए एक मिनट भाई, अगर ये केव हुई ना गहरी मजा आ जाएगा, लेकिन लगनी, ओ यस 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 भाई मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, हम लोगों को Y11 पे जाना पड़ेगा लेकिन, और ये बहुत डरावनी केव है ठीक है। पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग थोड़ा सा कोल ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, तो तुम लोगों को तो क्या ही दिख रहा होगा भाई, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे। ए चल 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 बदतमीजी, नहीं शार्पनेस 255। तो गाइज मेरे को एक और एंटरपर्ल दिखा है, प्लीज एक एंटरपर्ल छोड़ दे, लेट्स गो गाइज, हम लोगों के पास एक एंटरपर्ल आ गया। ये एक एंटरपर्ल की चाहिए ये मैं तुम लोगों को आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि देखो तुम्हारे भाई के पास दिमाग बहुत है ठीक है ना। और एक मिनट यार मैं ऐसे करी क्यों रहा, जो मेरे पास भाई मेरे पास लिटरली इतनी खतरनाक एंचांटिंग वाली चीजें हैं ना, कि मैं नीचे को ऐसे, ओके ठीक है ऐसे नहीं जा सकता, थोड़ा डैमेज लग जाएगा ज्यादा ही, बट हम लोगों को जाना है अभी Y11 पे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं Y11 पे, बस अब हम लोगों को ढूंढने हैं वो, ओके मुझे सच्ची में लगा कि कोई रवीन मिल गई है, और यहां पर तो फिर डायमंड की बरसात हो जाएगी,
बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं है, रवीन नहीं है, बट क्या है, कुछ तो है, पर देखते हैं। ओह यस, ओह ओके भाई, यार ये कितनी गंदी चीज है यार, ये मेरे को सच्ची में लगा कि मेरे को डायमंड दिख गए हैं भाई, इतना अच्छे से चमकता है, ऐसा लगता है डायमंड ही मिल गए हैं। चलो ठीक है कोई नहीं, अभी हम लोग क्या करते हैं, रुको हम लोग, देयर वी गो, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मेरे को ना गोल्ड दिखा था यहाँ पे, कहीं पे गोल्ड दिखा था, हम लोग को गोल्ड भी चाहिए होगा, राइट, देयर वी गो, बस हो गया, इसको रख लेंगे अपने पास। कोई आया क्या? अच्छा कोई नीचे गिर गया, वाह ठीक है भाई, ठीक है कोई नहीं। तो चलो गाइस फटाफट से डायमंड्स ढूंढते हैं अब। ओ भाई मैं इतना बेवकूफ हूँ गाइस, मैंने खाली बकेट बना के रखी हुई थी, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे पास एक्चुअल में लाइक वो नहीं है, बकेट में वाटर नहीं है, और मैं ऐसे कूद गया, तुम समझ रहे हो। अच्छा वो मेरे पास प्रोटेक्शन रोटेक्शन है जो कि हर चीज पे तुम बचाता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर बच तो गए, पर मेरे को इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा भाई, ये वरना ओपी क्राफ्टिंग से भैया तो गए, कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा यहाँ। ओके भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी इसको ढूंढने में, रुक जाओ एक मिनट, एक ही है क्या? अबे यार गाइस ये एक ही मिला है हमको, लेकिन एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है देखो सुनो, जब हमें हर चीज की एन्चांटमेंट मिल रही है, एक मिनट, मेरा फॉर्चून वाली है, यस मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वही सोच रहा था मेरे को बनानी पड़ेगी, बट मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास एफिशिएंसी और फॉर्चून वाली है। सबसे पहले हम लोग इसको पूरा का पूरा कवर कर देंगे, ठीक है, मुझे पता है कि मैं लावा को लकड़ी से कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझदार आदमी हूँ, तुम्हें नहीं पता यार। रेडी गाइस, क्या हमें एक स्टैक नहीं, क्या हमें 9, हमें सिर्फ और सिर्फ 9 डायमंड्स चाहिए, क्या हमें 9 डायमंड्स मिल पाएंगे एफिशिएंसी 255 के साथ, लेट्स सी। लग तो रहा है भाई कि हमें 9 से कुछ ज्यादा ही डायमंड मिले भाई। ओके दोस्त, हम लोगों को मिल चुके हैं गाइस 2 स्टैक डायमंड्स, और ये देखो अगर हम लोग, देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग ऐसी कोई चीज बना रहे हैं जो कि एंचांट नहीं हो सकती है, तो उसका हमें बहुत ज्यादा ही मिल रहा है, तो कुछ नहीं है गाइस, डायमंड ब्लॉक्स है बस डायमंड ब्लॉक्स सारे डायमंड ब्लॉक्स ले लो। अब गाइस हम लोग अपने लिए बनाने वाले हैं डायमंड का फुल आर्मर, थोड़े बहुत अपने टूल्स को भी अपग्रेड कर देते हैं, तो मुझे 2 मिनट दो, फटाफट से बनाते हैं भाई इसको। यार गाइस टू मच ऑफ डायमंड ब्लॉक्स, हमको थोड़ा बहुत फेंकना पड़ेगा यार, क्या बताऊं यार गाइस, वेरी हार्ड मैन, वेरी हार्ड, यू नो लाइफ, ओ माई गॉड। अरे यार फिर से मेरी इन्वेंट्री भर गई डायमंड ब्लॉक से, ध्यान नहीं दिया दोस्तों हम लोगों को चेस्ट प्लेट में दोबारा से थॉर्न्स मिल गया, तो मैं तो रख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, मुझे कोई मारेगा तो वो खत्म हो जाएगा वाली चीज़ है, और उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं कि पैंट्स में अगर हमें कुछ मिल जाए तो बढ़िया, हम लोग को पैंट्स में ट्राई करते हैं प्रोटेक्शन लेने का। तो गाइज यार फाइनली मैंने जितना भी जो जो चीजें बनानी थी वो सारी की सारी बना ली है, और देखो अभी अपने लिए पूरा का पूरा आर्मर तैयार हो गया, और मैंने ना थॉर्न्स हटा दिया है, क्योंकि देखो अगर बाय चांस ड्रैगन ने मेरे को मारा और वो ड्रैगन खाली थॉर्न्स से मर गया ना, तो भाई मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, तो इसलिए मैंने थॉर्न्स अभी के लिए, भाई थॉर्न्स हटाए तो तुम तो सर पे ही चढ़ के नाच लो बिल्कुल। और बाकी मैंने स्वॉर्ड 2 टाइप की रखी है, एक शार्पनेस है और एक है लूटिंग स्वॉर्ड, बिल्कुल सही, अगर बाय चांस मुझे कुछ चाहिए होगा तो वो मैं ले सकता हूँ, और एक एरो ले लेते हैं अभी के लिए थोड़ा सा काम आ जाती ना ये सब चीज़ें भाई, तुमको नहीं पता यार अभी। चलो अब निकलते गाइस यहाँ पर से, मैं कहाँ से आया था, लेकिन यहाँ से आया था क्या मैं, हाँ यहाँ पे लाइट दिख रही है मुझे, ओके नहीं ये मैं जहाँ से भी आया था, चलो बाहर को निकलते गाइस फटाफट से, और मिलते हैं तुम लोगों से। हम लोगों का एक्चुअल में पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों का आधा गेम अभी सॉर्टेड है, मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, यहाँ से हम लोग निकले क्यों भाई, एक मिनट, हम लोग यहाँ से निकले क्यों, हम लोग यहीं पर लावा पूल ढूंढते ना कहीं पर, एक मिनट मैं लावा पूल के बगल में ही खड़ा था क्या, तो चलो गाइस चलते हैं फिर से वापस जहां से आए थे हम लोग वहीं पे, और वहां पर लावा पूल पे फटाफट से बनाते हैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल, और उसके बाद चलते हैं यहां से बाहर। अब मैं कहां से आया था, तो गाइस यार मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूं, मैं एक्चुअल में ना पानी लेके गया था ना कुछ भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर ही आ जाए इससे बढ़िया, और ऊपर कहीं पे हम लोग लावा पूल ढूंढ के वहीं से चल दिए हो सकता है कि मैंने लावा पूल पे पानी डाल दिया और वो ऑब्सीडियन बन गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, एक मिनट रुको, हमारे पास क्या लूटिंग है ना, लेट्स गो, प्लीज 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 प्लीज, भाई क्या ही मस्त मजा, भाई देख रहे हो तुम लोग एक बार, एंडरपेल की बरसात हो रही है गाइस, एंडरपेल की तो बरसात हो रही है, मैं इसलिए बोला तुम लोगों से कि आधा गेम तो हमारा शॉर्ट हो चुका है, और वो रही हमारी विलेज, और एक काम करते हैं सबसे पहले ना, मेरे पास एक और आइडिया है कि हम लोग यार फूड के लिए,
हम लोग इतना नॉर्मल फूड क्यों खा रहे भाई, जब ये ओपी वर्ल्ड और यहाँ पे ओपी क्राफ्टिंग होती है क्यों ना ओपी फूड बनाया जाए भाई। मैंने यही चीज सोची कि देखो मैं शुरू से तुम लोगों को एक ही चीज, एक मिनट रुको, मेरे पास एफिशिएंसी, मेरे पास वो कहाँ है मेरा, ये रहा फॉर्चून ना, ये वाली फॉर्चून है ना, देयर वी गो भाई। फॉर्चून जब तुम्हारे पास है तो फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए तुमको बस यार प्लीज यार 1000 फ्लिंट एंड स्टील मत, ओके ठीक है बढ़िया, हम लोग को अनब्रेकिंग मिल गया, फ्लिंट एंड स्टील में अनब्रेकिंग ही लगता है। वैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना गाइस, हम लोग को एक विलेज को ऐसे, मतलब सॉरी विलेज कह रहा हूँ, एक इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद अपनी फॉर्चून वाली से मारते हैं। मे बी हम लोगों को अगर एक एप्पल मिल जाए, मुझे लग रहा है कि तुम्हें पता होगा कि मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे जा रहे शार्पनेस 255 के सामने मेरे से भिड़ोगे तुम लोग, चलो ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट हम लोगों को एक, सिर्फ एक भाई। क्यों एक मिनट, ये वो है क्या, ओके हम लोगों को स्ट्रिंग भी चाहिए होगा, हम लोगों को एक बो भी बनाना है अपने लिए, बट सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक एप्पल, प्लीज एक एप्पल बस। भाई मैं लिटरली सोच रहा जब तक यहाँ पर एप्पल गिर रहे हैं एक बेड बना के सो जाता हूँ ताकि सुबह हो जाए और एक बार देखो मैंने एक बेड क्राफ्ट करा था और यहाँ पे कितने सारे बेड क्राफ्ट हो गए हैं। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, जितना मजेदार है ना ये वर्ल्ड की तुम सोचते हो कि वामू ऐसे करेंगे भाई, उतना ही इरिटेटिंग भी हो जाता है ये एट टाइम्स, तुम्हारी पूरी इन्वेंट्री भर देता है भाई। 64 बेड, एक मिनट बेड स्टैक हो रहे, अच्छा नहीं अब खराब कर दिया मैंने, छी यार मुझे हिलाना ही नहीं चाहिए था यार उसको, मेरे को उसको बस कैसे भी इस हाथ पे लेके आना चाहिए था और उसके बाद तो फिर तुम्हारा भाई देखो क्या करता है यार। और कोई एप्पल गिरा क्या, प्लीज बोल दो कि यहाँ पर एप्पल गिरा है कहीं, तो नहीं ना एप्पल थोड़े टाइम में मिलेगा गाइस मेरे को लग रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोगों को एटलीस्ट एक एप्पल तो मिल चुका है, ठीक है तो अपना काम जो है वो तो स्टार्ट हो सकता है, लेट्स गो। अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक है ना रॉ गोल्ड यही काफी है, ठीक है हम लोगों को बस एक फर्नेस डालना है और उसके बाद फर्नेस में इसको पकाना है। तुम समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं क्या बनाने की सोच रहा हूँ अब। और तुम कहाँ जा रहे हो भैयों, तुम कहाँ जा रहे हो भैयों, अकेले अकेले। तो गाइज हमारा गोल्ड इंगेट हो चुका है, स्मेल्ट हमें इसको करना है बस ये, एंड देयर वी गो हम लोगों के पास हो चुका है अनलिमिटेड गोल्ड, जितना भी गोल्ड हम सोच सकते, हे राम जितना भी गोल्ड हम सोच सकते थे हमें उतना गोल्ड मिल गया है, अब हम लोगों को बस ये करना है। मैंने क्या देखा था, अरे भाई वापस कर दो मेरा एप्पल, अरे यार जे ना खाएंगे एप्पल खिला दो एप्पल, अबे यार एप्पल ही ना भाई, यार सब कुछ उठा रहा है एप्पल नहीं उठा रहा बस, अरे गिर गया दोबारा। तो गाइस कैसे ना कैसे करके मैंने अपना एप्पल तो निकाल लिया, बट ये क्या है, मैंने सिर्फ एप्पल को रखा उसने मेरे को एन्चांटेड गोल्डन एप्पल दे दिया, वो भी इतना सा, ओ भाई हेलो हेलो, अरे भैया खाना तो नया भाई। ओके गाइस तो तुम्हारा भाई नाश्ते में खाता है सिर्फ और सिर्फ गोल्डन Enchanted golden apples. भाई साहब क्या चल रहा है भाई, एक मिनट रुको, अगर ये एप्पल को ऐसे बना रहे तो अगर मैं गोल्ड रखूं तो क्या होगा, हैं? ओ, बुक? एक मिनट, मेरा वो लकड़ी वापस करोगे तुम लोग थोड़ा, अबे यार अब आधा घंटा मुझे ये लकड़ी लेने में लगेगा गाइस। तो चलो गाइस अभी हम लोग ये करने वाले, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिल सकता है इसमें से। भाई तुम लोग देख रहे हो एक बार, कुछ भी रैंडमली मिल रहा है ब्रो, कुछ भी एंटरपोल्स, ओके 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 भाई एन्चांटेड गोल्डन एप्पल दिखा था मेरे को अभी बीच में, है एक मिनट गाइस तुम लोगों ने भी देखा कि जो मैंने देखा, हम लोगों को यहां पर कुछ तो मिला था, रुको जरा मैंने अभी देखा वो, अगर वो सही में हुआ है तो गाइज यस ओके, तो इसका मतलब है कि एक मिनट डायमंड से करें तो डायमंड से भी होता है, यस यार डायमंड से भी, अरे व्हाट डायमंड से नेदरराइट मिल रहा है, अरे भाई यार
जिसे मैं था ढूंढता या वो वजूद मिला। भाई यार क्या ही भाई, अरे मेरे डायमंड वापस, अरे यार डायमंड वापस कर दो बोल रहा हूँ यार, ये कर लो ना भाई। ओके तो गाइज अगर हम लोगों को, तुम समझ रहे हो ना, अगर हम लोगों को भाई ये मिला है, क्या बोलते हैं इसको, रॉकेट्स मिले, अगर हमें फायरवर्क मिला है तो एक और चीज, तो एक और चीज मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, जो कि है द वन एंड द ओनली, यस बॉयज, इलाइट्रा, स्काई इज द लिमिट, ओ माय गॉड लेट्स गो। भाई आई लव दिस गेम, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सच्ची में भाई, काश काश इतना ही आसान होता ये गेम। वाह गाइज यार फाइनली मेरे को जो चीज चाहिए थी वो मैंने ले ली है भाई, हमारे पास 42 फायरवर्क हो गए, हम लोगों के पास इलाइट्रा और हम लोगों के पास नेदरराइट है, एक्सक्यूज मी, हमारे पास नेदरराइट है दोस्तों, बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, बस हम लोग का एक चीज कर रही है भाई, अब को ये करना है, इसके ऊपर ये करना है, और हमारी स्मिथिंग टेबल आ चुकी है वो भी स्टैक के स्टैक में, बिल्कुल सही, क्योंकि ये नॉर्मल वर्ल्ड तो है नहीं जहाँ पर तुम्हें एक मिलेगा, है ना दोस्तों। ये हो गया, अब हम लोग अपनी सारी की सारी चीज़ों को, जितनी भी हमारी चीज़ें सबको हम लोग, देयर वी गो भाई साहब, नेदरराइट का बनाने वाले, अरे भाई तुम देख रहे हो दोस्तों, हैं तुम लोग देख रहे हो, ये क्यों है मेरे पास अनब्रेकिंग, भाई अनब्रेकिंग नीचे नेदरराइट वैसे भी आज टूट नहीं रहा है भाई। और दूसरी बात, हम लोगों को रुको जरा, मेरे को क्या करना था, मेरे को एक और चीज़, यस हमारा पूरा आर्मर भी तो है यार, ये सारे के सारे ब्लॉक फेंक देते हैं ठीक है, और अभी अपना आर्मर भी हम लोग नेदरराइट का करने वाले हैं, कवर मी इन डेब्रिस, वो भी इतना बढ़िया साउंड के साथ। तो दोस्तों चलो यार, नेदर में जाने से पहले, यू नो मुझे हमेशा से ही लगता था कि नेदर में जाने से पहले मेरे पास एक फुल नेदरराइट का आर्मर होना चाहिए नेदर में जाने से पहले। और रुको जरा यार, मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी क्राफ्टिंग टेबल बना लूं, थोड़ी सी बस, थोड़ी सी क्राफ्टिंग टेबल। तो गाइज हम लोगों को लावा पूल तो मिल गया, बस अब फटाफट से, अरे यार मैं स्वर्ड से तोड़ रहा हूँ क्या, तो अब बस हम लोग इसको एक काम करते हैं, फटाफट से इसके अंदर जाके, देयर वी गो, इसको बना देते हैं भाई। ओए अभी मैं मर गया था पता, क्योंकि मेरे हाथ में जो चीज थी वो चीज होने लायक नहीं थी ठीक है। तो दोस्तों अपना पोर्टल हो चुका तैयार, और ये मारते हैं और चलते हैं गाइस सीधे नेदर पे, बस भगवान प्लीज यार अगर एंट्री मारते हैं फोर्ट्रेस दिख जाए ना, जो कि मुश्किल लग रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं, एंट्री मारते फोर्ट्रेस तो नहीं मिलेगा, या फिर मिल भी सकता है मे बी। तो चलो दोस्तों फटाफट से फोर्ट्रेस ढूंढते हैं और यहां से निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस हम लोगों को फाइनली, ओ भाई, अरे अभी भाई मैं इतना एक्साइटेड हो गया तो मैं सीधे दौड़ते हुए चली गया भाई, लेकिन हम लोगों के पास वैसे फायर प्रोटेक्शन 255 है, हम लोग लावा में, अरे क्या क्या गुंग बात हो रही है यहाँ पे अभी। तो गाइस हम लोगों को फाइनली फोर्ट्रेस भी मिल गया भाई, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मैं अभी गिर जाता नीचे, इवन दो हमें नीचे गिर के भी कुछ होता नहीं बट फिर भी है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना यार कि तुम्हारा भाई ऐसे गिर रहा है वो सब चीज़ें, तो इसलिए मैं गिरा नहीं वहाँ पर से भाई, डर तो लगता है ना फिर भी। ओ शाइनी, क्या ओ शाइनी, ओ मैं गोल्ड फेंक के आऊँ क्या पीछे, मैंने कब गोल्ड फेंका पीछे, व्हाट डू हैक। ओके हम लोगों को सिर्फ यही चाहिए था, सिर्फ एक ब्लेज रॉड चाहिए थी, देयर वी गो। नहीं यार ये ऐसी करेगी मेरा टाइम बर्बाद करेगी, इससे बढ़िया तो ये पोर्टल मिल गया ना मुझे, एक मिनट तुमसे भी बात करेंगे, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। चलो गाइस तो चलते हैं यहाँ पर से, और लिटरली मेरे को ना आई डोंट थिंक लूटिंग वाली स्वॉर्ड चलाने की जरूरत भी थी, देखो रुको क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने सोचा कि हमें लूटिंग वाली स्वॉर्ड की जरूरत ही क्या है जब हम लोग सिर्फ एक एंडरपल रखेंगे, रुको एक एंडरपल नहीं पहले एक ब्लेज पाउडर रखेंगे और उसका जितना भी बन के आ जाएगा वो तो खैर अलग ही दुनिया चल रही है यहाँ पे, और बाकी हम लोग सिर्फ एक ब्लेज पाउडर रखेंगे और एक एंडरपल रखेंगे सिर्फ एक हमें, यस इतने सारे आई ऑफ एंडर मिल जाएंगे भाई, ये मजाक चल रही है यहाँ पे यार, एटलीस्ट दो स्टैक तो रख के चलने पड़ेंगे अपने साथ यार, वरना यू नो यार ये दुनिया बहुत टफ है यार, तो हम लोगों को ना दो तो अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे। हो गया गाइज अपना नेदर इज कंप्लीट, अब चलते हैं सीधे एंड में, और एक मिनट यार मैं दौड़ दौड़ के क्यों जा रहा हूँ जब मैं उड़ उड़ के जा सकता हूँ, मेरी लाइटर कहाँ है, देयर वी गो, और
चलो भाई। दोस्तों ये देख रहो, बेस्टियन रेवेनेंट भी मिल गया है मेरे को यहीं पे, पर इसके अंदर जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे पास जो जो लूट यहाँ पे मिल सकती थी उससे बहुत ज्यादा ही अच्छी लूट है। बेस्ट लूट जो एक बेस्टियन रेवेनेंट तुमको देता है मेरे हिसाब से वो होता है एक नेदरराइट का फ्री इंगेट, राइट? तो हमको उसकी जरूरत लग रही है, तुम्हें दिख रहा है तुम्हें कि हमें उसकी जरूरत है? एक नेदरराइट के फ्री इंगेट की हमें जरूरत ही नहीं है भाई। अबे यार, अरे यार ये गंदी गैस, अरे उड़, ओए एक मिनट मेरे पास फायर प्रोटेक्शन है, अरे रुक जा दो मिनट यार भाई, ये गंदी गैस भाई, मैं आसपास हूँ अपने पोर्टल, अरे यार आसपास क्या, बगल में हूँ अपने पोर्टल के, दो मिनट दोस्त दोस्त दो मिनट प्लीज प्लीज जस्ट, यार ये तोड़ देंगे ना मेरा पोर्टल, मुझे पता था ये मेरा पोर्टल तोड़ देंगे भाई, मुझे पता था, पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर आकर, एक मिनट रुको है, बाय बाय। चलो तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वापस ओवरवर्ल्ड में, सारा का सारा सामान लेके, बिल्कुल सही, सारा का सारा सामान लेके। यहाँ पर रात हो रही है, मेरे पास एक बेड तो, मेरे पास तो एक भी बेड नहीं है यार। ओके ठीक है, रुको 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 रुको, हमारे पास लूटिंग वाली स्वॉर्ड का है मेरी, नहीं यार इनको, इनसे तो लूट करके वही मिलेगा ना, फूड मिलेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग इनसे लूटिंग भी ज़्यादा नहीं कर सकते। देयर वी गो, हम लोगों को एक स्केलेटन ज़रूर मारना पड़ेगा गाइस, ठीक है? कहाँ गई ये रही, एक बकरी। तो दोस्तों अब हम लोगों को लूटिंग वाली स्वॉर्ड यूज़ करनी पड़ेगी इनके ऊपर, क्योंकि मेरे को यार नई बो बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो, शौक तो है नई बो तुम समझ, अरे एक 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 हट गंदा बच्चा, ओए एक मिनट रुको 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 गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, मैं क्यों करूँ भाई ऐसा कि मैं एक नई बो ना बनाऊँ, भाई हम लोग एक नई बो बनाएंगे ना, नई बो में क्या होगा तुम लोग समझ गए, देखो समझदार समझ गए होंगे, बाकी पता नहीं, देखो थोड़ा सोचो समझो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स ले लेते हैं और इसको एक चपाट लगा के यहाँ पर ख़त्म करते हैं गेम को, भाई यार बहुत ही हल्ला गुल्ला ऐसा कर देते ना ये लोग, बिल्कुल गंदगी मचा देते हैं। ये रहा, ये पता नहीं मैंने क्यों रखा हुआ अपने पास, और अब हम लोग बनाने वाले गाइस एक बो, बिल्कुल सही, हम लोग अब एक बो बनाने वाले हैं। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है? देयर वी गो, एक तो पहले सबसे पहले ना ऐसे कर लेते, रुको ये और अब हम बनाएंगे बो भाई, एकदम मस्त वाली बो बनाऊंगा जिसमें इन्फिनिटी या ऐसा कुछ मिल जाए हमें, क्योंकि सीधी सी बात है भाई मैं ड्रैगन को यार सच्ची बताऊं बो से नहीं मारना चाहता, लेकिन इतना पावरफुल बो, एकदम एक शॉट मारा कि ख़त्म, क्योंकि ये पावरफुल बो है, ठीक है? तो हम लोग को पावर तो नीचे, देखो पावर मिल गया था मेरे को, लेकिन पावर नीचे मेरे को चाहिए इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी मिलेगी ये क्वेश्चन है। तो गाइस फाइनली हम लोग को इन्फिनिटी भी मिल चुकी है, अब हम लोग को इतने सारे एरोज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम सारे के सारे एरोज़ यू नो दान दान पेटी में डाल देंगे, ऐसे फेंक देंगे, ठीक है? तो अपना सारा का सारा काम हो चुका है, हम लोगों को बो मिल चुकी है, सब कुछ अपने पास रेडी है, एकदम तैयार है, अब हम लोगों को जाना है सिर्फ, और यू नो क्या करना है, यू नो हम लोगों को बस जाके जी यार भाई अंडर ड्रैगन का क्या होने वाला है आज, मेरे को सच्ची भी नहीं पता भाई। और हम लोग लाइटर ही पहन के रखते हैं, बस ये रख लेते हैं अब हाथ पे, देयर वी गो, अब फेंकते हैं किस साइड जाना है। ओके चलो भाई इलाइट्रा में उड़ते हुए चलते हैं इस साइड को गाइस, तो मिलते हैं तुम लोगों से अब सीधे कहाँ पर, स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। गाइस शायद से हम लोग पहुंच गए, रुको जरा फिर से मार के देखते हैं। अच्छा नहीं आई थिंक, अच्छा हम हाइट पे नहीं है ना, हमें टॉप हाइट पे होना चाहिए ना उसके लिए। ओ हम लोग पहुंच चुके हैं, लेट्स गो भाई, मेरा शवल कहाँ है भाई, मेरा शवल निकालो गाइस, लेट्स गो, हम लोग पहुंच चुके हैं आई थिंक, इससे सीधे नीचे खोदेंगे तो हम लोग वहीं जाएंगे सीधे। तो गाइस हम लोग को मिल गया, यस ओ भाई आई स्पाई, भाई मैं थोड़ा ना ज्यादा नीचे को आ गया था, मैं वापस ऊपर को खोदा तब जाके मेरे को ये मिला है, बट लेट्स गो बॉयज लेट्स गो, जल्दी से जल्दी ढूंढते हैं और जरा आज ड्रैगन भैया को बताते हैं कि कौन आए हैं भाई। हेलो, बहुत टाइम बाद मैं ऐसी कुछ ओपी खतरनाक चीज लेके आया हुआ हूँ, ड्रैगन ड्रैगन भैया। तो गाइस फाइनली हम लोगों को मिल चुका है, अरे यार छू के तोड़ देंगे छू के, हट गंदी गंदी सिल्वर फिश कहीं की। देयर वी गो गाइस, हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है भाई, कुछ ज़्यादा ही एंडर आई है, और अगर तुम लोगों के घर पे भी डिलीवर करनी होगी तो मुझे बता। अरे यार एक एलाइट्रा यार, देयर वी गो, ठीक है ये सारा का सारा फेंक देते हैं और वापस से अपनी बो लगा लेते हैं, हम लोग शवल अंदर कर देते हैं, स्टिक छोड़ देते हैं, हम लोग के पास एक एरो काफ़ी है, थोड़े बहुत ब्लॉक्स रखते हैं अपने पास बिल्ड करने के लिए, यू नो यू नीड बिल्डिंग ब्लॉक्स गाइस, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है मेरे, यस। और हम लोग स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि शार्पनेस 255 से ड्रैगन बच पाएगा भाई,
या भी बच भी सकता है, लेट्स सी, देखेंगे अभी, पता चल जाएगा। रेडी? अहो रुको जरा, आ रहा। ओ नो, अरे मेरे को लगा मर गए भाई, वो तो अच्छा ग्लाइड करके भाई आ रहा हूँ मैं, नहीं जा रहा हूँ मैं, हो जाता अभी जैसी मेरी हरकत है भाई। अरे चल यार ब्रो, छोड़ ही नहीं रहा ये। अरे यार गलत जगह पे आ गया हूँ मैं, देर भी गो। अब हम लोगों को एक मिनट, ये क्या है? हैं? नहीं नहीं है, ओके दूर से वो रेंडर नहीं, तो मैं खुश हो गया भाई, मैंने कहा सारे के सारे एंड क्रिस्टल टूटे हुए पहले से। ला मिली मिली मिली, बच कैसे गए तुम? हाँ मेरे तीरों के वार से बच कैसे गए तुम? नीचे आ रहे क्या ड्रैगन? पर्च कर रहे क्या? आई थिंक पर्च कर रहे। ओके डर गया, क्यों डर गई? आजा। भाई मेरे पास तो अनलिमिटेड एरोज हैं, बट इतना भी मिस करना नहीं चाहिए वैसे कायदे से। चलो इसको बताता हूँ, ये सीन क्या है ना, वो उड़ रहा है भाई और मैं नहीं उड़ रहा, ठीक है? तो तुम लोग चाहे मेरे को हल्के में ले रहे हो ना, लेकिन अभी अबे यार जब मैं आया ऊपर तो अपना नीचे जा रहा है। रुक जा, हम लोग इसको हवा में शॉट लगा सकते हैं क्या? ओ व्हाट, एक बार एंटी ड्रैगन की एचपी देखो तुम लोग, एक हेडशॉट मारा मैंने इस स्वॉर्ड से, एक हेडशॉट। ओके दोस्तों ये तो मर जाएगा भाई, तो हम लोग इसको खत्म करते हैं। ला ला ला, लास्ट होगा शॉट हवा में उड़ के, स्वॉर्ड शॉट विद ऐसे कैसे भैया? ओ मेरे पास एरोज खत्म हो गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास डायमंड्स हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। भाई चाहे पूरा टाइम लग जाएगा मेरा, लेकिन अब तो इसको ऐसे ही मारूंगा मैं भाई, आसमान की ऊंचाइयों में पटापट पटापट। मेरे को एरोज दो भाई अब, मतलब सॉरी वो दो मेरे को। तो गाइस फाइनली हम लोगों को थोड़े बहुत एरो मिले भाई, मजाक नहीं करो, इतना ज्यादा चिंगान कर देती ना चीजें, लेकिन अब होगा खात्मा इस एंडर ड्रैगन का, लेट्स गो। अरे यार हवा में तो ऐसे उड़ा देता है मुझे वापस, उड़ा देती है मतलब। ओ बच गई यार, ओ पर्च करा पर्च करा, यस यही हमारा मौका है गाइस। पर्च करने वाले ड्रैगनों को तो मैं सबसे पहले मारता हूँ। आओगी नहीं तुम मेरे पास? हाँ तो मैं ही आ जाता हूँ, रुको पड़ेगी यार, एक तो पढ़ना चाहिए। मैं मार ही नहीं सकता इसको, मैं मारूंगा ही नहीं ऐसे यार, ऐसे मारना चाहो तो, अबे हट, ऐसे मारना चाहो तो मैं इसे इस एंडरमैन जैसा मार दूं, लेकिन इसे मैं कैसे मारना गाइस? हवा में उड़ के भाई, मेरे पास ज्यादा अभी बचे भी नहीं है मेरे को। ओ मैंने गलती कर दी थी ऑलमोस्ट, एंडर ड्रैगन से भी तेज हूं मैं। ओके तो गाइज मैंने गलती से यार मैंने सोचा उसको लो करके एक्स से मार, अरे तू दो मिनट यार, अबे यार मैंने सोचा कि उसको एक्स से लो करके फिर मारूंगा आराम से हवा में उड़ के, और वो एक्स के दो शॉट में ही मर गया यार, मैं क्या करूं दोस्तों, मेरी गलती नहीं है यार। लो मैं अपनी, मैं ये देखो मैंने मैंने जो बोला मैंने वो नहीं करा ना, इसलिए ये देख रहे हो सारा सामान मैंने वॉइड में फेंक दिया, मतलब पोर्टल में, इस वजह से। अरे एक मिनट यार, ये सामान उस साइड आएगा क्या? मेरे को चेक करना है। ओके ये सामान सच्ची में चले गया है। तो गाइस यार ये वाला वर्ल्ड तो कुछ ज्यादा ही ओपी निकला और बहुत ज्यादा मजे भी आए। हाँ बहुत सारी चीजों ने परेशान भी करा, जैसे कि हद से ज्यादा ही चीजें आ जा रही थी हर चीज में, बट बहुत ज्यादा मजेदार भी था यार, जैसे कि तुम लोगों ने देखा ना भाई, वो एक्स क्या थी, स्वॉर्ड क्या थी, क्या खतरनाक चीजें मिल रही थी भाई। नेदरराइट का पूरा आर्मर बना लेता हमने 15 मिनट में स्टार्टिंग के, तो वो तो बहुत खतरनाक चीज थी। आई होप तुम लोगों को भी मजा आया होगा, मेरे को बताना फेवरेट पार्ट कौन सा था तुम लोगों का। मेरा था एन्चांटेड एप्पल की बारिश देखना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, जो नॉच एप्पल थे उनकी बारिश देखी ना मैंने, मैंने कहा स्वर्ग में आ गया हूं मैं। बाकी यार गाइस जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100K लाइक का गोल है। जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार भाई प्लीज, इट विल मीन अ लॉट, 3 मिलियन भी तो करना है। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।